बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में आप विधायक नरेश बालियान के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। 2.5 करोड़ कैश के साथ पकड़े गए बालियान। पिछले करीब 17 घंटे से इनकम टैक्स विभाग की हिरासत में है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान की आवाज पर आयकर विभाग की छापेमारी देर रात भी जारी रही। नरेश बालियान फिलहाल आयकर विभाग की हिरासत में है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पूछताछ कल दोपहर लगभग 1:30 बजे से जारी है, जिसको अभी तक 17 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि उनकी टीम ने एक बिल्डर के यहां से शुक्रवार को बरामद 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी से विधायक और उनके सहयोगी कथित रूप से जुड़े पाए गए थे। उन्होंने बताया कि उत्तम नगर के विधायक नरेश बालियान, एक प्रॉपर्टी डीलर और 2 अन्य लोगों से द्वारका में आयकर अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा रही है, जिससे पता चल सके कि क्या बरामद नकदी अवैध और बेहिसाब है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, बालियान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिससे पता चला है कि बरामद नकदी से उनका संबंध है। आयकर अधिकारी धन के सूत्रों के बारे में विधायक और अन्य लोगों के साथ पूछताछ कर रहे हैं। ये घटना कल दोपहर 1 बजे की है, जब आयकर विभाग की टीम रियल एस्टेट डीलर के कार्यालय नियमित सर्वेक्षण के लिए पहुंची। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 12 पॉकेट 6 के फ्लैट नंबर 86 पर छापा मारने के लिए पहुंचे थे। वहां बालियान 2 करोड़ रुपए लेकर पहुंचे और आयकर अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया। ये फ्लैट प्रदीप सोलंकी नाम के प्रॉपर्टी डीलर का है। प्रदीप सोलंकी की पहले मौत हो चुकी है, उसका एक रिश्तेदार विधायक बालियान के साथ मिला है।